सारी जिम्मेदारी हमारी तो है, हमने तो ठेका ले रखा है इस घर का कि जो करेंगी रेखा सिंह करेंगी, वरना बाकी लोग तो पैर पसारे टीवी देखेंगे या निकल जाएंगे घूमने बाहर। काहे चिल्ला रही हो, क्या हुआ? मजा आ रहा है हमको सुबह सुबह कलेश करके, खुद तो बोतल भर परफ्यूम मार के निकल लोगे घर, और वो देखो तुम्हारे बाप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ? आंखें हैं कि बटन दिखाई नहीं दे रहा, कंबल निकाल रहे हैं। तुम्हारी बुआ और ठंडी दोनों ही एक्सप्रेस ट्रेन से आ रही हैं। वो तो अच्छा ही है ना, ठंडी में बुआ आके गर्मी कर देगी आग लगा के। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, बुआ आग ही लगाती है अपनी जबान से जब जब यहाँ आती है। देखो ऐसा है, हमारी बहन के बारे में कुछ मत बोलो। देख रहा है बेटा, तेरे पापा को सुनाई दे गया है, इतनी देर से कह रही हूँ कंबल निकलवा दो कंबल निकलवा दो, तो कानों पे जू तक नहीं रेंग रही थी, जैसे ही बहन का नाम लिया तो सांप लौटने लग गए छाती पे। एक बात बताओ, मेरी बहन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो, मासूम सी है बेचारी। तुम्हारी बहन और मासूम? अगर तुम्हारी बहन मासूम है तो मैं क्या हूँ? हर बात में मेरी बहन को लाना जरूरी है। अरे पिताजी अभी ना कंबल निकालना जरूरी है, आप जाके ना मम्मी की मदद करवाइए, कंबल निकालिए हम चलते हैं। एक मिनट महाराज, इतना सज धज के नगर भ्रमण करने जा रहे हो क्या? ऐसा है ना पापा, हमें कोचिंग में लेट हो रहा है, तो आप निकलवाइए कंबल, हम चलते हैं। ओ हीरो साहब, जरा मुड़ो इधर, आज तो रविवार है, आज कौन सा कोचिंग है? एक्स्ट्रा क्लासेस है ना मम्मी, बहुत जरूरी है, जाना पड़ेगा। अच्छा, एक भी क्लास मिस नहीं करते आप? हाँ। इतना सज धज के कोचिंग सेंटर जाते हैं? हाँ। फिर भी फेल हो जाते हैं? हाँ। अच्छा पापा यार मैं जा रहा हूँ। मैं यार? पापा जी। पापा यार हो गए, यही सिखाते हैं कोचिंग में? नहीं पापा यार। फिर यार देख लो, अपने बिगड़े हुए बेटे को कुछ मत कहना तुम। ऐसा है, ये कर लो पहले, तुम दोनों खेलो और हम चलते हैं, क्योंकि हमारा तो नाम गुदा है घर के कामों पे। यहाँ बेटा बिगड़ा जा रहा है और तुम्हें कंबल की पड़ी है। ऐसा करते हैं, कंबल हम सर्दियों के बाद निकाल लेंगे, ठीक है? लड़ लो तुम। अरे मम्मी अभी ठंड ढंग से तो आई नहीं है, केक आप हो, पहले ही खत्म कर दे रहे हो। तुम्हारी कोचिंग से फोन आ रहा है, मत उठाइए। पापा जी। क्यों? वो हम लेट हो गए हैं ना, तो कर रहे होंगे फोन, मैं चलता हूँ। अरे रुक, 5 मिनट का काम है, कंबल निकलवा के जाएगा तू, चल जरा। लो कट गया फोन। मम्मी यार। अरे अभी बेटा तुम्हारी बुआ। अच्छा बस बस, अब दोबारा शुरू मत करो आप, हम आ रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर, कहिए। क्या बताएं सर, वो आपका बेटा 1 महीने से कोचिंग नहीं आ रहा है। क्या कह रहे? और उसकी फीस भी जमा नहीं हुई है। क्या कह रहे? सर कह रहे हैं 1 महीने से तुम कोचिंग में नहीं गए हो और तुमने फीस भी नहीं भरी है। पापा मैं ना। आप रखिए सर, आज हम इन्हें समझाते हैं। जी सर, जी सर, एक बार वो थोड़ा फीस का। हाँ हाँ सर, फीस का भी कराते हैं, फीस अब यही लेकर आएंगे। आने वाला था। बेटा कंबल निकल ही गया है तो इसे ओढ़ लो। क्यों पापा? क्योंकि जब बल्ला पड़ेगा ना तो आवाज कम आएगी। मम्मी 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 बचा लो, मम्मी देखो अगर कंबल फट गया तो बुआ को क्या देंगे? देखो कह तो ये सही रहा है, इधर आ, इधर आ, ला कंबल दे इधर। कंबल ले लिया मैंने, आवाज की तुम टेंशन मत लो, मारो इसे। अरे तेरी एक्स्ट्रा क्लास तो मैं लगाऊंगा आज।